भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट AISM से बनी सेफ्टी ऑफिसर करें नेशनल और इंटरनेशनल सेफ्टी कोर्स एक्सपीरियंस ट्रेनर्स के गाइडेंस में 100% प्लेसमेंट गारंटी के साथ। संपर्क करें AISM एहसन मार्केट विशाल मेगा मार्ट के पास सिवान। CSP संचालक से हुए लूटकांड का SDOP ने किया खुलासा। 15 जुलाई को भोरे में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने की थी 3,94,000 की लूट। गोपालगंज जिले के भोरे थाना इलाके में बीते 15 जुलाई को हुए एयरटेल पेमेंट बैंक के संचालक के हथियार के दम पर दिन दहाड़े हुए 3,94,000 रुपए की लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को 10,000 रुपए और संचालक के लूटे गए आधार कार्ड को बरामद कर लिया है। बता दें कि भोरे थाना इलाके के बढ़हरा गांव निवासी विकास मिश्रा 15 जुलाई की सुबह घर से भोरे बाजार अपनी दुकान के लिए निकले थे कि इसी बीच बाइक सवार बदमाशों ने इनकी बाइक को ओवरटेक करते हुए पूरे बाजार स्थित भारत पेट्रोलियम के समीप लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें बदमाशों ने 3,94,000 नगद, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल फोन लूट लिए थे। इसी मामले में भोरे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट में शामिल नारू चकरवा गांव निवासी सुखारी भगत, भोरे के पप्पू सिंह और कटिया थाना इलाके के सवैया गांव निवासी प्रभा शंकर को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने लूटकांड के मुख्य आरोपी तक पहुंचने का दावा कर रही है, साथ ही वारदात में प्रयोग किए गए हथियार को भी पुलिस अब तक बरामद नहीं कर पाई है। न्यूज इंडिया तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। भोरे बिजेती रोड में रेखा भगत के घर के पास 2 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा विकास मिश्रा से 3,94,000 रुपया, ATM कार्ड, आधार कार्ड लूट लिए गए थे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना अध्यक्ष भोरे द्वारा तकनीकी अनुसंधान और सूचना संकलन के आधार पर 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। उन 3 व्यक्तियों का नाम है प्रभा शंकर पांडे, सुखारी भगत और पप्पू सिंह। इन तीनों ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार किया तथा बताया कि एक छोटन पांडे इनका प्रभाकर पांडे का रिश्तेदार था, जो अपराधी किस्म का व्यक्ति है, वो आना जाना करता था। ये लोग विकास मिश्र के पैसे के बारे में सूचना दिए और इनके सूचना के आधार पर ये 2 अज्ञात अपराधकर्मी 3,94,000 रुपया, ATM कार्ड लूट के फरार हो गए। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पैसे भी बरामद किए? हाँ, 10,000 रुपये और आधार कार्ड बरामद। हथियार बरामदी की भी कुछ नहीं? ना अभी नहीं।